हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 17 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें मुझे जीके और कंप्यूटर के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। 25 प्लस के अप्रॉक्स क्वेश्चन है ना। तो मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक भी कर लिया है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके रियल हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है एज यूजुअल जैसा कि आप हमेशा बताते हैं तो इस वीडियो में भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए एक पुस्तक पूछी गई थी, तमस पुस्तक के लेखक, तमस पुस्तक लेखक, तो ये कौन हो जाएंगे आपके भीष्म साहनी, कौन हो जाएंगे भीष्म साहनी। ठीक है ये हो गया। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका मडेरका कप पूछा था, मडेरका कप जो है वो हो सकता है ऐसा भी पूछा हो, मडेरका कप किससे संबंधित है या फिर पूछा गया हो आपका फुटबॉल, फुटबॉल का एक कप है कौन सा, तो ये क्या हो जाएगा मडेरका कप। ट्रिक में मैंने बताया कैसे ट्रिक है, देखिए फुटबॉल खिलाड़ी आशुतोष ने रूप में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। ठीक है तो फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोब में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। अब जितने भी कप हैं आपके सब इसमें आ गए है ना। देखिए फुटबॉल जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोबर्स कप हो गया। ठीक है ऐसे ऐसे सारा है, आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक के नाम से लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिएगा वहां मैंने सारे कप, ऐसे ही बैडमिंटन का भी है, सब कुछ है। ठीक है तो अगर लिंक ना मिले तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NH48 किससे किसको जोड़ता है, NH48 तो ये आपका दिल्ली टू चाइना है, सॉरी दिल्ली टू चाइना कह रहा हूँ, दिल्ली टू चेन्नई है। ठीक है सॉरी दिल्ली टू चेन्नई, ठीक ये आपका क्या हो जाएगा NH48। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, देखिए कंप्यूटर का है CTRL+A, अगर एमएस वर्ड में आप CTRL+A प्रेस करेंगे तो क्या होगा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिलेक्ट ऑल, मतलब जितने भी आप लिखे हैं वहाँ पे कोई भी चीज है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आपका रहेगा वहाँ पे प्रिपेयर वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ये होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए अशोक जो है किस वंश का शासक था, अशोक तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन हो जाएगा मौर्य वंश। पहली शिफ्ट आज की बहुत टफ आई थी है ना, उसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, बहरहाल मैं वीडियो बना दिया था अगले क्वेश्चन की कुछ जितने भी मिले थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मलेरिया टीके की खोज के लिए किसे नोबल प्राइज मिला है ना, मलेरिया टीके की खोज के लिए नोबेल किसे मिला था, तो आपको मिला था रोनाल्ड रॉस को मिला था। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए BIOS का फुल फॉर्म पूछा था, यही था हाँ, तो क्या हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, एक निब्बल में कितना बिट होता है, रिपीटेड है कई बार पूछ गया है, एक निब्बल में कितना होता है, तो 4 बिट होता है, 1 निब्बल contains 4 bit। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका, ध्यान दीजिएगा, 200 रुपये के नोट पर कौन सी मतलब क्या कह सकते हैं कौन सी इमारत बनी हुई है या कौन सा चित्र बना हुआ है 200 रुपये के नोट पर आकृति कौन सी बनी हुई है, तो सिंपल हो जाएगा आपका क्या बना हुआ 200 रुपये के नोट, सांची का स्तूप। ठीक है भाई चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन राइट किए जा सकते हैं, लिख देता हूँ फिर रफ करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, लॉन्च नहीं किया मतलब बनाया है, ये लॉन्च नहीं करेंगे आईआईटी है। ठीक है तो आईआईटी कानपुर सैटेलाइट बनाया, उसका नाम जो है वो था जुगनू, तो आपके ऑप्शन में जुगनू दिया हुआ था, इसे भी आपको करेक्ट करना था। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, देखिए एक वो था, एक लाइन दी गई थी है ना, वो था नेहरू इज पेट्रियट एंड मोहम्मद अली जिन्ना इज पॉलिटिशियन, ये किसने कहा था, तो नेहरू इज पेट्रियट एंड
मोहम्मद अली जिन्ना इज पॉलिटिशियन टीशियन, ये जो लाइन है किसने कहा था, तो ये बोला था मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो सिंपल था, देखिए वो क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप में भी आया था बॉम्बे, है ना, बॉम्बे से आपका स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके चलिए, एक आपसे पूछा गया था रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है, तो कई सारे ऑप्शन में दिया था जो कि नहीं था आपके ऑप्शन में, एक रेडॉन था वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव गैस, हाँ यही पूछा था, रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है, तो आपका रेडॉन दिया हुआ था ऑप्शन में, क्या दिया था, रेडॉन, यही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो काम करिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी अच्छे से राइट कर सकूं, ठीक है। ओके आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को राइट करता हूं और आप मैच करा लीजिएगा कहां तक चेंजेस सही है, ठीक है। अब दिन पर दिन आपकी शिफ्ट थोड़ी टफ, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, किसी किसी शिफ्ट में पूरा रिपीटेड आ जा रहा है, किसी किसी शिफ्ट को टफ करते चले जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है, किस्मत की बात है ना, बहरहाल नॉर्मलाइज ऑप्शन है, बेटर रहेगा, है ना, जो भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिंपल था, जंतर मंतर नहीं है, तो पांच जगहों पर आपका जंतर जंतर मंतर है आपका, ठीक है, जंतर मंतर आपका टोटल पांच जगहों पर है, उसमें से एक जगह दिया था जिस पर नहीं है, नहीं है तो ऑप्शन में जो था आपके नागपुर था, ठीक है। अब आपसे मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि पांच जगह कौन कौन सी है जहाँ पर जंतर है, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। एक दो वीडियो में बताया भी हूँ तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो लंबी होगी, तो आप पांचों जगह का नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, एक उपग्रह है ना, कल्पना वन क्या है, तो कल्पना वन आपका एक क्या है, उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, कि ध्यान दीजिए, रेड पांडा है ना, मतलब जो लाल पांडा है, रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या है, रेड पांडा मुख्य भोजन क्या है, तो ये आपका बंबू या फिर बांस, है ना, बांस को रेड पांडा बहुत अच्छे से खाता है। अब ऑप्शन में थोड़ा सा एक दो और भोजन है, घास फूस वगैरह भी है, बट वो ऑप्शन में जो भी हो थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं स्टार बना देता हूँ कि ऑप्शन में बांस दिया हुआ था या नहीं, आप बताइएगा, ठीक है, मतलब बम्बू वगैरह दिया था या नहीं। अब पूछा था आपसे यूएनओ में टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, यूएनओ आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा कुल, है ना, तो कुल यूएनओ की भाषा जो है वो कितनी है, छः, ठीक है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कामा गाता है ना, कामा गाता जारू जहाज कौन, मतलब कहाँ की जहाज है, कामा गाता जारू जहाज कहाँ की है, तो इंडिया, चाइना, ऐसे करके पांच छह ऑप्शन दिया हुआ था, सॉरी तीन चार ऑप्शन दिया हुआ था, जापान भी ऑप्शन में था, तो जापान ही करेक्ट है, ठीक है, जापान की जहाज है आपकी कामा गातू जारू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, मलेरिया टीके की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला, है ना, मलेरिया टीका खोज के लिए नोबेल किसे मिला था, तो ये मिला था रोनाल्ड रॉस को, किसे मिला था, रोनाल्ड रॉस को मिला था, ठीक है, ये रॉस है गाइस। ओके चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा गया था, टिहरी बांध किस नदी पर है, टिहरी बांध बहुत आसान है, टिहरी बांध ये आपका किस पर है, भागीरथी पर है, किस पर है, भागीरथी नदी पर है, ठीक है। चलिए ट्रिक वाली वीडियो में मैंने बताया है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा था, देखिए एक क्वेश्चन ये आया था आपका, नाभिकीय भौतिक के जनक, नाभिकीय भौतिक के जनक कौन है, ठीक है, नाभिकीय भौतिकी जनक तो कौन है इसके, तो ये है आपके रदरफोर्ड, कौन है, रदरफोर्ड है आपके नाभिकीय भौतिकी के जनक, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ।
अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछा गया था, यूपी का पावर संयंत्र पूछा था है ना, तो नरोरा पावर संयंत्र, ये मिलान में क्वेश्चन आया था, नरोरा पावर संयंत्र, तो ऐसा कुछ था कि इनमें से कौन सा सही है मिलान, तो यही वाला सही था आपका, यूपी वाला, ठीक है, ये आपका यूपी में नरोरा, ठीक। और एक एरहंत करके सबमरीन आई थी आपकी, पूछा गया था कुछ, बता रहा हूँ मैं आपको, वो था आपका, ध्यान दीजिएगा जस्ट अ मिनट, हाँ, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ना, न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन सी है ना, कौन सी सबमरीन को न्यूक्लियर पावर सबमरीन बोलते हैं, तो एरिहंत आपके ऑप्शन में था है ना, एरिहंत, या फिर ये नहीं, ज़्यादातर यही चांस है, मतलब दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं, वो कुछ भी पूछा गया होगा, एग्जैक्ट कंफर्म पता नहीं है, डायरेक्ट मुझे मैसेज जो मिला था वो यही मिला था, मैंने क्रॉस से फ़ोन किया तो कहा सर कंफर्म नहीं है, मैंने इसी पे टिक किया और मैंने जब सर्च किया तो इससे इसका रिलेशन कुछ मिल रहा था, ठीक है। अच्छा, अगला पूछा गया था, भारतीय रेलवे डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है, भारतीय रेलवे डिब्बे, भारतीय रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, बनाए कहाँ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कपूरथला, ऑप्शन में दिया हुआ था, कपूरथला में बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ज़्यादातर, बाकी कई जगह बनाए जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल, आईआईटी कानपुर ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम क्या था, यदि क्वेश्चन बताया क्या मैंने, आईआईटी लॉन्च, फिर देखो बोल रहा हूँ, आईआईटी कानपुर लॉन्च नहीं, आईआईटी कानपुर ने एक सैटेलाइट बनाया, उसका नाम जुगनू, आई थिंक मैंने बता दिया, ठीक है, चलिए भाई, और हो गया लगभग, हाँ, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है, भारत में एशियाई खेल कितनी बार, तो टोटल 2 times हुआ, 2 बार आपका एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन गाइस जो मुझे मिले थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बाकी कुछ क्वेश्चन और भी हैं मेरे पास, बट वो क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी तो मैंने उसको बताया नहीं, ठीक है, और कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा जब उसको क्लियर मैं चेक कर लूँगा क्रॉस, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, सारे क्वेश्चन आपको रियल मिले या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है जरूर बताइएगा, हमें साथ बताते भी हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ, जाते जाते डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, या फिर प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिएगा, थैंक यू।